हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे कि इंडियन आइडल जीतने के सीक्रेट्स क्या हैं। तो मुकम्मल वीडियो को देखना ना भूलिएगा। पहला सीक्रेट ये है, आपकी गायकी यूनिक किस्म की गायकी होनी चाहिए, और यूनिक किस्म की गायकी के लिए आपके गले का एकदम फिट होना लाजमी है, जिसके लिए आपको ये वाला रियाज करना पड़ेगा। सब में कप है, फेम पद है, सारी सीक्रेट नंबर दो, आपको तबला ख़ुद से साथ चलाना पड़ेगा, क्योंकि तबले वाले का सुर या ताल आगे पीछे भी हो सकता है। तो उसका रियाज कैसे कीजिए, ठम्मा टक टम्मा, ठम्मा टक टम्मा, ठम्मा टक्का टम्मा टक्का, ढम्मा टक्का ढम्मा टक्का, ढम्मा टक टम्मा, ढम्मा ढम्मा टक्का टक्का, ढम्मा ढम्मा टक्का टक, ढम्मा ढम्मा टक्का, ढम्मा टक्का टक्का टक्का, ढम्मा टक टक्का। सीक्रेट नंबर तीन, अब डायरेक्ट गाने की तरफ आते हैं। चल उड़ जा रे पंछी, के अब ये देश हुआ बेगाना। ये जो बेगाना है, इस पे थोड़ा सा रियाज ज़्यादा चाहिए। चल उड़ जा रे पंछी, के अब ये देश हुआ बेगाना। इन्हीं लाइनों को आप एक मुख्तलिफ स्वर में भी कह सकते हैं। चल उड़ जा रे पंछी, अब देखें मैंने पंछी किस तरह से लफ्ज़ अदा किया, पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। एक और गाने के रियाज को चेक करते हैं। मन चूड़नी ओढ़ के यार, के दिल पर देसी हो गया, मैं चूड़नी ओढ़ के यार, के दिल पर देसी हो गया, ओ हमें तुमसे हो गया प्यार, के दिल पर देसी हो गया। तो ये थे जी वो सीक्रेट्स जिनकी वजह से आप इंडियन आइडल को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से विन कर सकते हैं। और इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर मुझे आशना कीजिएगा, ताकि मुझे पता